निक्की ने डेली व्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा गैप लिया था, एक्चुअली तबीयत नहीं ठीक था निक्की का, तो मैंने बोला था ब्रेक ले लो थोड़ा सा। तो आप लोगों ने अगर चैनल नहीं देखा है तो निक्की व्लॉग्स करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके देखो। ये देखो भाई साहब, अपनी कार ठुक गई है आगे से, बहुत बुरा हुआ, कांड हो गया एक, एक कांड हो गया। कांड कैसा? गाड़ी अपनी अलकाजार ठुक गई है, कसम से ये बताना नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल, तो की हाल चाल है आप सभी के। तो भाई साहब, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा हम लोग लखनऊ गए थे, मतलब मैं, फैसल, जीशान, अब्बू, भैया, एक्चुअली हम लोग गए थे प्लॉट देखने के लिए, बट जितना भी प्रॉपर्टी मतलब उन्होंने दिखाया था हमें वहाँ प्लॉट, पहला वाला तो बहुत ही मतलब बकवास था, पूरा अंदर था, गांव में था एक, तो वो तो जरा भी नहीं पसंद था। दूसरा वाला दिखाए थे जो कि लखनऊ से 5-6 किलोमीटर दूर कानपुर वाले रोड पे, तो वो थोड़ा सा ठीक लगा था, लेकिन हमें कानपुर वाले रोड पे नहीं चाहिए भाई साहब, हमें चाहिए फैजाबाद टू लखनऊ वाले रोड पे। तो वही सब हम लोग मतलब अभी छानबीन कर रहे, देख रहे। और ये देखो निक्की मेम साहब रेडी हो रही हैं, एक्चुअली हम लोग चल रहे बस्ती। बस्ती क्यों चल रहे? क्योंकि जाना है हमें, कहाँ जाना है? पार्लर जाना है, एक्चुअली निक्की कहीं जाने वाली है तो इसकी वजह से पार्लर जाना है। तो यस, दिस इज द अपडेट। और वो लोग सब लोग, जीशान, फैसल, समीर सब लोग गए हुए एग्जाम देने के लिए, और आई थिंक उन लोग की छुट्टी हो गई होगी, बस वो लोग आ रहे होंगे, तो वो लोग तो नहीं जाएंगे, वो लोग आएंगे घर पे, तो हम लोग निकल जाएंगे। चले सर, रेडी सेडी? अभी नहीं। तुमको तो टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी। मेरा स्कार्फ कैसा लग रहा है? मेरी कैप, ये ब्लैक वाला स्कार्फ पहनोगे आज? सही है, सब मुंबई से है भाई, नया नया माल। और हाँ, एक अपडेट और है भाई साहब, आप लोग भूलना नहीं कि निक्की ने डेली व्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा गैप लिया था, एक्चुअली तबीयत नहीं ठीक था निक्की का, तो मैंने बोला था ब्रेक ले लो थोड़ा सा। तो आप लोगों ने अगर चैनल नहीं देखा है तो निक्की व्लॉग्स करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके देखो, जो मेरा व्लॉग देख रहे सब देखो। yes, सही है। yes, अच्छा बना रहे हो कि नहीं वीडियो? बनाओगे नहीं तो मार खाओगे मेरे से। ये देखो, ये रहा निक्की का चैनल, निक्की व्लॉग्स। यस, और यहाँ रहे वीडियोस। 3 दिन पहले एक वीडियो आया था मेकअप वाला, अगर नहीं देखा तो वो भी देख ले। मैंने मेकअप किया था निक्की को, बड़ा खतरनाक मजा आया था, तो जाके देखो भाई। चले चलो। इस पे चढ़ के इसको लॉक करना पड़ता है। कौन कौन ऐसा करता है भाई, कमेंट में बताओ, किसी घर में ऐसा ऐसा कबर्ड है कि उस पे चढ़ के लॉक करना पड़ता है? ये करती तो बंद ही नहीं होता, आज ही नया ट्रिक लगा। ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। और एक बात बताओ, वो फुल चीते लग रहा है एकदम से, इसीलिए तो मंगाया। ये मेरा फेवरेट प्रिंट है। हाँ, ये चीता, वाह, चीता प्रिंट। कहीं इसको बाहर जा रही है, कोई चीता है, शेर ना समझ ले, कहीं शेर ने देख के भाग के ना आ जाए। वाह, चलो। भाई साहब अपनी कार की साफ सफाई कर दिए। अरे देखो, मैडम जी पहले से आके बैठ गई। कहाँ जाना है मैडम जी आपको? बस्ती। हाँ, 150 रुपया लेगा? चलेगा। हाँ, पूरा 200 दूंगी। 150 रुपया लेगा? 200 दूंगी पूरा। तो भाई साहब फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं और फर्स्ट टाइम हम लोग अकेले ऐसे जा रहे हैं ना। चलो सही, हमारी गाड़ी के 3 बंदर साथ में नहीं है, स्कूल गए। चलो चले। सिटी में चलाने का मतलब दुख ही अलग होता है, इतना क्लोज क्लोज सब गाड़ी लगा। इतना क्लोज है कि यहाँ सब हैवी ड्राइवर लोग ही चला सकते हैं, हैवी ड्राइवर सच्ची में। पब्लिक भी एकदम करीब करीब चल रही, गाड़ी भी एकदम करीब करीब चल रही है, ऑटो, साइकिलिंग वाला, साइकिल वाला, ये वाला, वो वाला सब देखा।
नई गाड़ी हो तो और जान पे आता है। कंसंट्रेट करो, देखो इधर भी गौ माता जी बैठी बीच रोड पे। ब्रेकर है वो, ब्रेकर। भाई साहब हम आ गए सैलून में, एक्चुअली मेरा बियर्ड थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको ट्रिम करना, और इधर है देखो निक्की, इधर है। क्या करा रहे तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और भाई साहब फटाफट हमारा बियर्ड एकदम क्लीन हो गया, मस्त दिख रहा है, और निक्की अभी अंदर ही है। अभी चलते बाहर क्योंकि कुछ लोग आए हुए मिलने के लिए, हाँ सब्सक्राइबर आए हुए हमारी गाड़ी देख के, देखते को। ये देखो भाई साहब यही जन थे बाहर वेट कर रहे थे हमारा, क्या नाम है बाबू? वंश। तुम्हारा? नितुल। कुछ बोलना है? शेख ब्रोस नहीं आए? देखो अभी तो एग्जाम एग्जाम चल रहा है ना उन लोग का, 16 को खत्म होगा फिर आए आएगा। हाँ वो भी आते हैं कभी कभी, आते हैं। एक बार स्कूल में मिला था। मिले थे? सेंट जेवियर। चलो ठीक है, इस बार आएगा तो अगर मिल गए तो मिल लेना। चलो हाँ, अब इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, बैठ के इंतजार करें भाई। तो भाई साहब 3-4 घंटे बाद निकल रहे हैं वहाँ से, बहुत अच्छा। फोटो लगाइए। हाँ चलिए चलिए। और भाई साहब हम यहाँ लेने आ गए मैक्स का खाना, कुछ ग्रेवी व्रेवी है, घर से फोन आया था ख़त्म हो गया, वहाँ दे दो भाई। चलो छे और यहाँ अभी हम लोग घर के लिए निकल गए हैं, आधे से ज़्यादा रास्ता हम लोग ने कवर कर लिया है। और यहाँ पे सूरज डूब रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। मेरे से होता है, मुझे कितना बोला था टाइम तुमने कितना लगेगा? हाँ बोली थी, लेकिन मेरे से होता है, जो होगा हम लोग करते हैं। दोपहर में गए थे, शाम को आ रहे हैं। तो क्या हुआ, कभी कदार तो चलता है, 1 महीने बाद आई हूँ मैं, तब क्या। भाई साहब घर पे पहुंच गया और मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है प्रैंक करने का। यस फैसल समीर जीशान लोग घर पे हैं, तो उन लोग को मालूम है बस्ती लेके गया हूँ कार, तो मैं उन लोग को झूठ बोलने वाला चल के कि यार कार ठुक गई है रास्ते में, मतलब ट्रैफिक में एक ऑटो वाले ने सटा दिया और पूरा मतलब स्क्रैच आ गया गाड़ी में। तो अभी चलते हुए बताते हुए रिएक्शन पता चलेगा कि कैसा उन लोग को हुआ होगा। हाँ हाँ ठीक, कहाँ? ओए हाँ ठीक है, कांड हो गया एक। हाँ एक कांड हो गया। कांड? कैसा? गाड़ी अपनी अलकाजार ठुक गई है, कसम से। ये बताना नहीं अपने अब्बू, कसम से। अलकाजार दिखाऊं आगे की तरफ, ऑटो वाले ने ना इसे सटा दिया ट्रैफिक में। सही में? हाँ कसम से, चल दिखाऊं। मतलब स्क्रैच आया कि कुछ डेंट हुआ है? डेंट चपक भी गया और स्क्रैच भी आ गया। हाँ कसम से। सही बता। हाँ सही में, चल चल दिखाऊं। बे सही में, नौटंकी ना कर, सही कसम बताओ। से सही बताओ। हाँ मजे, चिल्ला मत, चल चल। सब लोग चल रहे हैं देखने के लिए। चाबी 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 मेरे पास है, देखो देखो। बहुत भयंकर हुआ है कसम। इधर की इधर यही सही प्रैंक हो गया। क्यों जान रहे थे? प्रैंक हो रहा है, इतना आसान है अपनी गाड़ी चपक जाएगी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कसम सही ठोक ठाक के लेके आया। प्रैंक भी कर ले रहे उसी बार। ये देखो भाई साहब मैंने बताया था कि अपनी गाड़ी ठुक गई है। गाड़ी इतनी आसान नहीं है ठुकनी। है भी ड्राइवर जी साहब डर गया था कि नहीं? और क्या, क्या डरा? मैं समझ गया आगे से पूरी ठुक गई है, जाना पड़ेगा इसको लखनऊ। ये देखो भाई साहब प्रैंक हो गया, क्या बात हो गया भाई साहब। ये लोग सोचे सही में ठोक के रहा। वाह मेरा दिल में ऐसे धक धक हो रही है। जी साहब कैसा लगा मेरा प्रैंक? एक नंबर। कैसा लगा मेरा मजा? सही लगा, असली लगा था कि नहीं? मेरे दिल में धक 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 धक, कहीं सच में ना आया। क्योंकि मैं जब चलाता हूँ तो फैजल डरता है, इसीलिए।
ना लेकिन आज बहुत आज बहुत ट्रैफिक था लेकिन कदम से वो उठा था ना कोई जुलूस है पता नहीं क्या था और उसी के आगे में चला गया मैक से खाना लेने के लिए पूरा जाम ही जाम लगा था फिर GIC के अंदर वहां मोड़ा ग्राउंड में मोड़ के तो आगे से लेके गया हैवी ड्राइवर हो गया क्या पैसे लेके इतना घूम रहे ए पेमेंट आया क्या था यूट्यूब का ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हे अम्मा एक बात नहीं सुनी सुन इधर हाँ कहो तुम सुनो थे फट गई पैंट हे अम्मा गाड़ी थोड़ा सा ठुक गया कैसे वहीं पक्के पे हाँ चाची तो बिग भाई की गाड़ी से गाड़ी टकरा गई पापा वो भी लेके आ रहे थे ये भी लेके आ रहे थे सही है अल्लाह के